इसको हम कर लेंगे एंड विद ए बी वाली लॉजिक से, ठीक है। पहले हम डीएफए बना लेंगे सिंपल एंड विद ए बी वाली लॉजिक से, और फिर उसके बाद जो है स्टेट्स को लिख देंगे। तो हमें पता है कि क्या करना पड़ेगा, ये देखें। अब वही वाली लॉजिक मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि शुरू में देखें सर बी आ रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वी आर आफ्टर द पैटर्न ऑफ ए बी। जैसे ए आया हमने अपनी पोजीशन चेंज की, जैसे ए आया हमने अपनी पोजीशन चेंज की, ए के बाद अगर ए आता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम ए बी के पैटर्न नहीं, और जैसे ही बी आया हम इस पे चले गए। हम इसको पहले फाइनल स्टेट बना दिया करते थे, सही है, इसको हम फाइनल स्टेट बना दिया करते थे। हम इसको फाइनल स्टेट नहीं बना रहे, अभी बी के बाद अगर ए आता है तो इधर चलेगा, इस बी के बाद अगर बी आता है तो इधर चलेगा। इन एवरी केस ए बी का पैटर्न हमें कहाँ ले जाएगा, सी पे ले जाएगा। इन एनी केस ए बी का पैटर्न हमें कहाँ ले जाएगा, सी पे ले जाएगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि जब भी ए बी का पैटर्न आएगा क्या हम सी पे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं तो सही है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए। पहले तो ये क्वेश्चन देख लीजिए कि जब भी ए बी का पैटर्न आएगा क्या हम सी पे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं तो सही है, और अगर हम नहीं जा पा रहे तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखें ए आया अपनी पोजीशन चेंज की, ए के बाद ए आया तब भी यहीं खड़े हुए, बी आया तो उधर चले गए, बी के बाद अगर बी आया तो इसको ऐसी जगह पे लेके जाओ जहां से ये ए बी देख के इधर आ सके, तो ये देखें इधर लेगा ए बी देख के, और अगर ए के बाद फिर भी आता है तो उधर। अब आपको पता है सिंपल आपके क्वेश्चन में क्या चीज है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो देखिए ए बी का पैटर्न जहाँ कंप्लीट हो रहा है वहां वन लिखना, बाकी सब जगह पे क्या लिखना है, जीरो लिखना। जहां पर भी ए बी का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है वहां वन लिखते हैं, बाकी दोनों जगह पे क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। अब आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए ऊपर वाले स्ट्रिंग को, अब आप ऊपर वाले स्ट्रिंग को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, क्या ऊपर वाले स्ट्रिंग पे क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद सेम आउटपुट आ रहे हैं जो हमने लिखे थे, वेरीफाई कर लीजिए। ओके, ठीक है, क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वही स्ट्रिंग आ रहे हैं। अच्छा यहाँ अजान हो रही है, एक मिनट के लिए रुक जाइए। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन जो है क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद हमने एंड से एबी का क्वेश्चन बनाया, और जहां पर एबी का पैटर्न कंप्लीट हो रहा था वहां पर हमने वन लिख दिया। अगर हम इसका ट्रांजिशन टेबल चाहें तो वो भी हम बड़े आराम से बना सकते हैं, हमें पता है कि सिंपल है आखिर में कॉलम ऐड करना है। तो ये देखें अगर हम ट्रांजिशन टेबल भी देख लें, ए
बी एफ सी ट्रांजिशन टेबल बनाने के बाद सिंपल यहाँ जीरो यहाँ जीरो यहाँ, तो ये आपका इनिशियल ठीक है। अगर ट्रांजिशन टेबल आपको बनाना आता है, ये देखें ए बी ए पे ये यहीं खड़ा हुआ है बी पे, और ये ए पे चला गया बी पर, बी स्मॉल ए पे बी पर ही है लेकिन बी पर ये सी पर चला गया, और सी जो है स्मॉल ए पे बी पर है और ये ए पे चला गया। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जो कि मैं अभी बात कर रहा था, तो ये एंड जो दे रही है क्वेश्चन हो गया। अब जरूरी नहीं है कि आप ए बी बी ए इस तरह के पैटर्न की बात करें, आप किसी भी पैटर्न के लिए कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बोलूँ कि बताइए कि मेरे इंग्लिश लैंग्वेज है, मैं आपको एक ऐसी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी लेकिन ए से लेकर जेड तक तमाम अल्फाबेट्स आ सकते हैं, और आपने जो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना है वो करना है एम। बस अब आपने क्या किया, ये देखें ए बी सी, बल्कि इसको इस तरह से थोड़ा अच्छा सा कर देते, आई एम उस्मान, बल्कि एम बी इसको इस कर देते इस, ठीक है कराची इस पाकिस्तान लार्जेस्ट, सब स्मॉल लेटर में, सिटी इज लोकेटेड इन कराची सिंध, सॉरी सिंध। इस तरीके से मैंने एक बहुत बड़ा ऐसे है वो मैंने दे दिया, और ये कह रहा है कि जब भी इज आए इज वो आपने काउंटिंग करके बतानी है, जब भी इज आए आपने काउंटिंग करके बतानी है, चाहे वो किसी पाकिस्तान के अंदर आ जाए या अलग से आ जाए, बस आपने क्या करना पड़ेगा। अब देखें वही वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आपने क्या करना है, देखें गौर से देखिएगा आप, थोड़ा सा ना समझने वाली बात है। मैं पहले इस पे अपनी पोजीशन चेंज कर देता हूं, ठीक है ए सॉरी ए कह रहा हूं आई, और मैंने एस पे अपनी पोजीशन चेंज कर, ठीक है बेटा, और मैंने इसको जीरो कह दिया, इसको जीरो कह दिया, इसको वन कह दिया। अब क्या करना है, अब आई के अलावा क्या क्या होता है ए से लेके जेड तक विदाउट आई, ऐसे ही ना, तो क्या मैं ये चीज लिख सकता हूं यहां पर, गौर से देखिएगा क्या ये चीज लिख सकता हूं मैं, सिग्मा माइनस आई, मुझे स्टेट कंप्लीट भी तो करनी है ऑटोमेटा में, स्टेट कंप्लीट भी तो करनी है, तो मैंने लिख दिया सिग्मा माइनस आई। अब मैं सारे लिखता, मैंने सिग्मा माइनस आई लिख दिया। अब देखे इस पे सारी ट्रांजिशन हो गई, ए से लेके जेड तक सारी ट्रांजिशन हो गई, इस पे ए पे कैपिटल ए पे तमाम ट्रांजिशन हो गई। अब कैपिटल बी पे आ जाए, कैपिटल बी पे एस की ट्रांजिशन हुई है, हमें पता है कि अगर आई के बाद दोबारा आई आता है तो यहां लिख दें, ऐसा ही है, आई के बाद अगर आई आता है तो दोबारा यहां लिख दीजिए। अभी जरा और से देखिएगा, अगर आई के बाद दोबारा आई आता है तो यहां लिख दीजिए, और अगर आई के बाद एस के अलावा कुछ और आता है तो क्या करना चाहिए आपके ख्याल में, पैटर्न ब्रेक हो जाएगा ना। अगर यहां पर ए आ गया बी आ गया सी आ गया तो पैटर्न तो ब्रेक हो गया, तो मुझे दोबारा इसको कहां लेके जाना पड़ेगा, ए पे ले जाते हैं, लेकिन क्या लिखूंगा मैं, ये देखें सिग्मा माइनस आई और एस, क्लियर, और अब अगर आई एस के बाद दोबारा से आई आता है तो इसको यहां ले जाओ क्योंकि आई एस बन जाएगा, और अगर आई के अलावा कुछ और आता है तो इसको वहां ले जाओ, सही है बेटा, ये इस तरीके से बनेगा। अब मैं आपसे शुरू में क्या बात कहता था हमेशा कि मैं सिर्फ एक दो स्ट्रिंग इसलिए लेता हूं कि आपको समझाने में आसानी हो, हम 26 स्ट्रिंग पे भी काम कर सकते हैं, 52 को भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए डीएफए की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी तो करके दिखाना है, कि स्ट्रिंग कंप्लीट कर करके दिखाना पड़ेगा। तो देखें ये है, समझ में आ गया ये, अब ये जब भी इस आएगा इस इसकी अकरेंस आएगी ये उसको काउंट कर लेगा, जब भी इसकी अकरेंस आएगी ये उसको काउंट कर लेगा, क्लियर है। इसमें भी तीन स्टेट्स, लेकिन ट्रांजिशन जो है वो इसके अंदर कितनी हो रही है, मतलब 3 into 26, तो इसके अंदर ट्रांजिशन जो है हमारी हो जाएंगी तकरीबन 78, तीन स्टेट है 26 ट्रांजिशन है हर किसी को। अब ये एक ट्रांजिशन का मतलब है यहाँ 25 ट्रांजिशन हो रही है, इसका मतलब है यहाँ 24 हो रही है, इसका मतलब है यहाँ 25 हो रही है,
तो 24 25 24 25, तो ये हो गए 74 74 76 75 76 77 78, हो गए 78। तो ये इसी वजह से आपको हमेशा जब बताया जाता है तो वो कम स्ट्रिंग को बताया जाता है, ताकि आप उस टेंशन से बाहर निकल जाएं कि सर आपको कंप्लीट भी तो करना है। क्लियर हो गई बात? कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो तो यहाँ तक पूछ लीजिए। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए बेटा यहाँ पर। समझ में आ गया बेटा? फर्स्ट कर लीजिए, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमारे पास जो इनपुट है वो है 0 और 1, और हमसे कहा जा रहा है कि आपने प्रिंट करना है हेलो व्हेन इनपुट एंड्स विद 01 एंड हाय इनपुट एंड विद 00 एंड अदरवाइज बाय। क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? मतलब है आपने इनपुट के स्ट्रिंग चलाने हैं और प्रिंट जब सिर्फ जब करवाना है जब स्ट्रिंग एंड हो जाए, लास्ट की दो ट्रांजिशन को देखते हुए प्रिंट करवाना है, लास्ट की दो ट्रांजिशन को देखते हुए प्रिंट करवाना है। अगर 01 पे एंड हो रहा हो तो हेलो, अगर 00 पे एंड हो रहा हो तो हाय, और इसके अलावा अगर किसी और चीज पे एंड हो रहा हो तो बाय। क्लियर? समझ में आ गया सबको ये सवाल? अब अगेन ये सवाल होगा कैसे, तो आपको पता है कि 01 के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 बिट के? जीरो और वन के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 2 बिट के? 4। तो 2 तो हमें दिए हुए हैं, इसका मतलब है 00 जो है वो बोल रहा है हेलो हाय, 01 बोल रहा है हेलो, और 10 बोल रहा है बाय, 1-1 बोल रहा है बाय। क्लियर? तो कितनी स्टेट बनेंगी टोटल, कितनी स्टेट बनेंगी टोटल? चार स्टेट बनेंगी टोटल, ठीक है ना? चार स्टेट बना देते हैं। सबसे पहले स्टेट होगी 00, हाय लिख दिया, हमें पता है कि शुरू में 0 आता रहेगा, 0 ही रहेगा, और जब पहला 1 आएगा तो हम चले आएंगे 01 पर, उसको हम बी कह रहे हैं, ए बी सी और डी, ठीक है ना? तो 01 लास्ट 2 के बिहाफ पर डिसीजन लेना, तो ये हो गया हेलो। तो ये कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसमें इसने लास्ट मेंबर क्या देखा है, कैपिटल बी पे आने के लिए लास्ट ट्रांजिशन क्या हुई है, कैपिटल बी पर आने के लिए लास्ट ट्रांजिशन क्या हुई है? 1। तो 1 के बाद या तो 0 आएगा या 1 आएगा, तो 1 के बाद अगर 0 आता है उनके बाद अगर 0 आता है तो ये सी पे चला गया, और सी पे क्या कह रहा है बाय, और 1 के बाद अगर 1 आता है तो ये चला गया
डीपर, और डीपर भी क्या हो गया बाय, ठीक है, वन के बाद वन, वन के बाद जीरो, आप दो ट्रांजिशन देख लीजिए। अब ये यहाँ खड़ा हुआ है सी पर, सी पर ये जीरो देखकर आया है, तो जीरो के बाद या तो जीरो आएगा, जीरो के बाद जीरो आएगा तो ये चला जाएगा ए पर, और जीरो के बाद वन आ जाएगा तो ये चला जाएगा जीरो वन पर। जीरो वन वाली कौन सी स्टेट थी, बी। इसी तरीके से डी पे वन देखकर आया, वन के बाद अगर वन आता है तो वन पर ही रहेगा क्योंकि डी 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 जो है वन वन है, और डी के बाद अगर वन के बाद जीरो आता है तो ये चला जाएगा सी पर। बस ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। बस हमें क्वेश्चन की बेस समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन क्या कह क्या रहा है, कितनी स्टेट हम पता कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बस अगर हमने ये चीज देख ली तो उसके बाद हमें इसको डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर हमें शुरू में कंफ्यूजन हो जाए कि सर कितनी स्टेट होंगी, ये हमें समझ में ना आ रहा हो, तो फिर हम थोड़ा सा इसमें फंस सकते हैं। ठीक है, तो सवाल है बेटा यहाँ तक तो पूछ लीजिए। हमारे क्वेश्चन में जो हमें दिया हुआ है उसमें हमें दो बिट का बोला है ना लास्ट की, तो हम दो बिट का रिकॉर्ड रख रहे हैं। अगर हमें दो बिट से ज्यादा का बोला होता तो फिर हम ज्यादा बिट का रिकॉर्ड रखते हैं, हमें दो बिट का रिकॉर्ड रखने का बोला है। मतलब जो हमें कंसीडर करनी है वो दो बिट करनी है। आप दो बिट, अगर वो बोलता कि 000 पे एंड हो तो ये कर लो, 001 पे एंड हो तो लास्ट तीन का फिर रिकॉर्ड रखते। सही है, याद है ना हमने NFA बनाया था जिसमें हमने कहा था कि सेकंड लास्ट सिंबल फ्रॉम राइट हैंड साइड, तो फिर हमने तीन का रिकॉर्ड रखा था, लास्ट तीन ट्रांजिशन दिखते थे, याद है ना, जिसको कन्वर्ट किया था, बड़ा लंबा क्वेश्चन था, तो वो उसके अंदर हम लास्ट थ्री का रिकॉर्ड रखते थे। क्यों रखते थे, क्योंकि हमें वहां पर बोला था सेकंड लास्ट सिंबल, तो लास्ट वाला थर्ड लास्ट सॉरी, तो फिर हम लोग लास्ट थ्री का रिकॉर्ड रखते थे। सॉरी मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, थर्ड लास्ट सिंबल जो बोलता था वो, कि थर्ड लास्ट सिंबल फ्रॉम द राइट शुड बी ए, तो थर्ड लास्ट की बात होती थी, तो वहां पर हमें क्या करना पड़ता था, रिकॉर्ड ज्यादा रखना पड़ता है। क्लियर, अब हमें ये बोला जाए यहाँ पर कि 000, तो डेफिनेटली फिर हमारी ज्यादा स्टेट बनेंगी, फिर हमारी आठ स्टेट बनेंगी, क्योंकि तीन लास्ट के तीन बिट के जो रिकॉर्ड रखेंगे तो आठ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। क्लियर, अगेन करने को कर सकते हैं, जगह का मसला है यहाँ पर, और जाहिर सी बात है हमें अगर इसमें समझ में आ गया तो वो भी हमें समझ में आ ही जाएगा। जी क्या कह रहा है, प्रिंट रिमाइंडर ऑफ मॉड 3। जी सवाल समझ में आ रहा है कुछ, क्या कह रहा है ये बताइए, ये बता दीजिए इसमें आउटपुट अल्फाबेट कौन से होंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके ख्याल से आउटपुट अल्फाबेट कौन से होंगे, सोच के बताइएगा। इस क्वेश्चन के अंदर आउटपुट अल्फाबेट्स आपके ख्याल में कौन से होंगे, बिल्कुल आउटपुट होंगे 012, तीनों होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो तीन आउटपुट अल्फाबेट होंगे 012, क्योंकि ये हमसे कह रहा है कि आप 01 को इनपुट लें, जब उसको इंटरप्रेट करें आप ऐसे डेसिमल नंबर, तो वो डिविजिबल बाय 2, 3 हो तो एक्सेप्ट होना चाहिए था पहले। अब ये कह रहा है कि डिविजिबल बाय 3 को एक्सेप्ट नहीं करवाना, अब रिमाइंडर ऑफ मॉड 3 प्रिंट करवाना। जब आपको पता चल गया कि तीन आउटपुट होंगे तो आपको पता तीन ही स्टेट होंगी, क्योंकि रिमाइंडर तीन तरह के होते हैं, तो आपने ए को A0 कह लिया, दूसरे को B1 कह लिया, और
तीसरे को आपने कह दिया सी टू, क्लियर। आपको पता है शुरू में जीरो आते रहेंगे तो डेसिमल में नंबर जीरो ही रहेगा, और जहां पहला वन आएगा तो टोटल नंबर बन जाएगा जीरो वन। जीरो वन को वन से डिवाइड करने रिमाइंडर क्या आता है, जीरो वन को थ्री से डिवाइड करने रिमाइंडर क्या आता है वन, तो ये वन पे चला गया, ठीक है। अब बी पे खड़े में लास्ट मेंबर क्या देखा आपने, वन। बी पे ए से आने के लिए आपने मिनिमम ट्रांजिशन की है वन, वन के बाद या तो जीरो आएगा या वन आएगा, ये आप कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो वन जीरो क्या हो गया टू, टू को थ्री पे डिवाइड करने रिमाइंडर क्या आता है टू, ये इधर चला गया, और वन के बाद वन आता है, वन को वन बनाने तो थ्री हो जाता है, थ्री को थ्री पे डिवाइड करने रिमाइंडर आता है जीरो, तो ये आंसर। सी पर आने के लिए मिनिमम ट्रांजिशन आपने क्या की है, सी पर आने के लिए मिनिमम ट्रांजिशन आपने की है वन जीरो, वन जीरो। मिनिमम ट्रांजिशन का मतलब होता है इनिशियल स्टेट से उस पर्टिकुलर स्टेट तक आने के लिए मिनिमम ट्रांजिशन वन जीरो। वन जीरो के बाद अगर जीरो आता है तो ये बन जाता है फोर, फोर को थ्री पे डिवाइड करें रिमाइंडर आता है वन। वन जीरो के बाद अगर वन आता है, वन जीरो वन फाइव होता है, फाइव को थ्री पे डिवाइड करें रिमाइंडर आता है टू, तो ये यहाँ से ये सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया जो कि रिमाइंडर ऑफ मॉड थ्री को प्रिंट करवाता है। आप इस पर कोई भी स्ट्रिंग इनपुट दे दीजिए, ये जब जिस स्टेट पे एंड करेगा उस स्टेट के इनपुट को आप कंसिडर कर लीजिएगा, तो आखिरी इनपुट जो प्रिंट होगा वो उस पर्टिकुलर बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन के बाद रिमाइंडर ऑफ मॉड थ्री होगा। फर्स्ट थिंग आप इस पे इनपुट दे रहे हैं 1010, 1010 क्या होता है 10, 1010 क्या होता है 10, 10 को 3 को डिवाइड करके रिमाइंडर आता है 1, तो 1010 को बी में ऐड करना चाहिए, 1010 को बी में ऐड करना चाहिए। वेरीफाई कर लीजिए क्या बी में ऐड हो रहा है 1010। इसी तरीके से 1111 15 होता है, 15 को 3 पे डिवाइड करने रिमाइंडर होता है 0, तो इसको ए में ऐड करना चाहिए 1111, देख लें हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे किसके हो गए, रिमाइंडर ऑफ मॉड 3 के। तो इसी तरीके से अगर आपको रिमाइंडर ऑफ मॉड 4 बोला जाए या 5 बोला जाए तो आपको पता है सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट बढ़ेंगी और हर स्टेट के अंदर उस पर्टिकुलर नंबर का रिमाइंडर आ जाएगा। अगर मैं मॉड 5 बोलूँ तो 5 स्टेट बनेंगी, तो 5 तरह के आउटपुट होंगे। अगर मॉड 7 बोलूँ तो 7 स्टेट बनेंगी और 7 तरह के आउटपुट होंगे, क्लियर। तो सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। सवाल नहीं है बेटा, मीले मशीन। जी सवाल समझ में आ गया। सवाल में क्या कह रहे हैं हमसे, इनपुट क्या है 01, आउटपुट भी क्या है 01, लेकिन वंस कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करो, जो भी इनपुट दिया जाए उसका वंस कॉम्प्लीमेंट। सवाल समझ में आया, वंस कॉम्प्लीमेंट तो आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है।
ठीक है, तो ये देखें अब वो वाली बात के सर, देखें जीरो आए तो वन प्रिंट कर दो, वन आए तो जीरो प्रिंट कर दो, हो गया। समझ आया? अगर आप बोले सर इसकी मूवी मशीन बना दें तो मूवी मशीन भी बन जाएगी, ये देखें। लेकिन मूवी मशीन जो होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब मैं कोशिश कर लेता हूँ बनाने की, शायद बन जाए, क्यों नहीं बनेगी, बन जाएगी, गिरेगी। अगर जीरो आया तो हम वन पे चले गए, और अगर वन आया तो ये बड़ी खड़ी है। इसी तरीके से अगर वन आया, जीरो आया तो यहीं खड़े हुए, वन आया तो उधर चले गए, ठीक है ना। वन आ रहा है तो जीरो प्रिंट कर रहे हैं, जीरो आ रहा है तो वन प्रिंट कर रहे हैं, जीरो आ रहा है इधर तो वन प्रिंट कर रहे हैं, वन आ रहा है तो जीरो प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल। तो अब आप ये बताएं ये कंपेरेटिवली आसान है या ये आसान है? तो डेफिनेटली शायद ये ज्यादा आसान है, ये थोड़ी सी टाइम लगा लेकिन उसमें हमें टाइम नहीं लगा। तो अगर मैं ये डिजाइन कर लूँ तो मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूँ, यही मिलेगा मुझे। नहीं, इस क्वेश्चन में लेफ्ट, इस क्वेश्चन में मीले मशीन आसान, इस क्वेश्चन के अंदर मीले मशीन आसान, ये मीले मशीन है बेटा, ये मूरे मशीन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मीले मशीन कंपैरेटिवली थोड़ी आसान हो गई। आसान तो देखिए दोनों ही है, आसान का मतलब ये नहीं होता कि, आसान का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स, लेस कॉम्प्लेक्स कौन सी है। तो ये ज्यादा आसान लग रही है, ये ज्यादा, ये कंपैरेटिवली थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, बस इतनी सी बात। अब जाहिर सी बात है आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको ये आसान लग रहा होगा, लेकिन ये हमने फौरन बना दिया ना, इसमें हमने ज्यादा डिटेल में बात की। जीरो आएगा वन प्रिंट कर दो, वन आएगा जीरो प्रिंट कर दो। जी जी ऐसा ही है, मीले मशीन में आउटपुट ट्रांजिशन पे आता है, मूरे मशीन में आउटपुट स्टेट के अंदर आता है। सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात? आपको पता है इसका ट्रांजिशन टेबल कैसे बनता है? ए पे जाएंगे वन प्रिंट कर देंगे, ए पे जाएंगे जीरो प्रिंट। सवाल यहां तक टूज कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, तो टूज कॉम्प्लीमेंट भी पता होगा आप लोगों को क्या होता है। जी क्या होता है टूज कॉम्प्लीमेंट? सर ये होता है कि 0100100, सर वन्स कॉम्प्लीमेंट ले लें और उसमें वन ऐड कर दें तो वो कहलाता है टूज कॉम्प्लीमेंट। 110 110 110 100 100 100, ठीक है। उल्टा कर दिया है ये, ठीक है ना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि गिवन स्ट्रिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट लें और उसमें वन ऐड कर दें, गिवन स्ट्रिंग का वंस कॉम्प्लीमेंट लें और उसमें वन ऐड कर दें। सही बनाया ना मैंने? अब ये हमें बनाना है मीले मशीन से, तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन है आपके पास? एनी गैसेस और सॉल्यूशन?
कि बेटा कोई सॉल्यूशन है किसी के पास? सर ये इस तरह से हो सकता है आराम से। हमेशा एक बात कही है कि जब तक हमें अपनी प्रॉब्लम सही से पता नहीं होगी हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे, है ना। अच्छा मतलब ये कह रही हैं आप सर इनपुट स्ट्रिंग में राइट साइड से चेक करते रहे जब तक पहला वन नहीं आता, सब चीजों को अनचेंज रखें, जब तक पहला वन नहीं आता सब चीजों को अनचेंज रखें, और जहां पहला वन आ जाए उसके बाद तमाम चीजों को क्या कर दें, इन्वर्स कर दें। ऐसा ही है जब तक पहला वन नहीं आता। अच्छा वी आर एज्यूमिंग कि वी आर रीडिंग दैट स्ट्रिंग फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी, फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी। तो ये कह रही हैं कि जब तक राइट साइड से रीड करना शुरू करें पहला वन नहीं आ जाता, आप तमाम चीजों को अनचेंज रखेंगे, और जहां पहला वन आ जाए उसके बाद तमाम चीजों को क्या कर दें, चेंज कर दें। लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही हुआ बट ऐसा ही है। बाकी सब लोग भी बता दीजिए ऐसा ही है। वी आर अज्यूमिंग कि वी आर रीडिंग दैट स्ट्रिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो बस हमने कहा था राइट साइड से रीड कर रहे हैं जब तक वन नहीं आ रहा, ये पोजीशन भी चेंज नहीं कर रहे और उसे याद रख रहे हैं, जीरो ही रख रहे हैं, लेकिन जैसे ही वन आता है उसको भी वन करते हैं, वन को वन ही रहने देते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वन को वन ही रखते हैं लेकिन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब ये जैसे ही पोजीशन चेंज की ये इस बात की निशानी हो गई कि सर हमें पहला वन मिल चुका है, तो आप पहले वन के बाद आप क्या करें, सबको इन्वर्स करते रहे। इसीलिए आपको पहला वंस कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया था, ठीक है, इसीलिए आपको वंस कॉम्प्लीमेंट बताया था ताकि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट में कोई मसला ना हो। तो देख लेंगे क्वेश्चन। अब अगर आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहे कोई स्ट्रिंग देके तो आप दे सकते हैं, ओरिजिनल स्ट्रिंग लीजिए उसका ट्रूथ कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, इससे वेरीफाई कर लीजिए, तो ये भी ट्रूथ कॉम्प्लीमेंट आपको दे रहा होगा। वी आर अज्यूमिंग अगेन, वी आर अज्यूमिंग वी आर रीडिंग दैट स्ट्रिंग फ्रॉम एलएसबी टू एमएसबी। समझ में आ गया ये? तो सवाल है बेटा इसमें तो पूछ लीजिए। और कोई सवाल है तो बेटा पूछ लीजिए। जैसे एक सवाल और सवाल है, ये नंबर ऑफ ए का रिमाइंडर प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे ये देखिए। अगर आप मोरी मशीन बनाएंगे तो आपको पता है कि आपने पहले क्वेश्चन तो वही सॉल्व करना है जो आप पहले करके आए। आपकी स्टेट कब चेंज होगी, जब भी आपको ए मिलेगा बी पे आप अपनी स्टेट चेंज नहीं करेंगे और ए का साइकिल उसको रिपीट कर देगा, ए कॉमा जीरो बी कॉमा जीरो सी कॉमा सॉरी वन एंड सी कॉमा टू। ये देखिए क्वेश्चन अब बहुत जल्दी हो सकता है क्योंकि हम ये पहले क्वेश्चन कर गए हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ ए का रिमाइंडर थ्री प्रिंट करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ ए का मॉड थ्री प्रिंट करवा रहे हैं, तो हमें पता है तीन स्टेट होंगी, ए पे अपनी पोजिशन चेंज करेंगे, एज सिंपल। समझ में आ गया? अब अगर आपसे कहा जाए इसको मिले मशीन से सॉल्व करें तो आप सोचेंगे थोड़ा सा बैठने। आप थोड़ा सा बैठ के सोचेंगे कि सर ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं बढ़िया आराम से वो भी कर दूंगा क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। तो अभी हमने इसको मूली मशीन से देखें कितनी जल्दी कर लिया। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसको मिले मशीन से सॉल्व करना है और लाजमी मिले मशीन से करना, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मूली मशीन से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं,
और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मीले मशीन से बहुत जल्दी सॉल्व जाते हैं। समझ में आ रही है बात? तो सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जो हमें करना है वो है मूरे मशीन टू मीले मशीन कन्वर्जन एंड मीले मशीन टू मूरे मशीन कन्वर्जन। कोई बड़ा आसान ही टॉपिक है। पहले हम मूरे मशीन को मीले मशीन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगेन बड़ा आसान टॉपिक है, लेकिन हम ये देख लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो हमारे नोट करने की हैं और फर्क क्या है, कि नंबर ऑफ स्टेट से फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, या सिमिलर रहता है, या कोई और चीज है जो कि ऑब्जर्व करने वाली है। फिर इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि मीले को मूरे में कन्वर्ट करते हुए किन चीजों का फर्क पड़ता है और किन चीजों का फर्क नहीं पड़ता। और डेफिनेटली दोनों चीजें ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एज फार एज कन्वर्जन इज कंसर्न। तो कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, जब ये चीजें क्लियर होंगी तभी मैं कन्वर्जन पे जा सकता हूँ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पहले मुझे बता दीजिए कि ये सब क्लियर है। अगर ये सब क्लियर है तो ही हम कन्वर्जन पे जा सकते हैं, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जी बेटा क्लियर है? अच्छी बात है। चलिए भाई, ये तो ऑलमोस्ट एंड है अभी, ये फिर हम दोबारा कनेक्ट होंगे। बिल्कुल हम दोबारा कनेक्ट होंगे तो फिर हम मीले टू मूरे और मूरे टू मीले मशीन कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा।